मैं किंग शेमशाही जट आज आपको बहुत ही अच्छा फ्रूट बन बनाना सिखा रहा हूँ, जो कि आप आसानी से घर में बना सकते हैं। फ्रूट बन भी बना सकते हैं और सादे बन भी बना सकते हैं, यानी कि मीठे। अभी फीके बन जो है बर्गर, जिंगर का बर्गर, लंबे वाला बर्गर, गोल बर्गर, वो फिर बाद में सिखाया जाएगा। अभी ये सिखा रहा हूँ, अभी पूरी एक लंबी रेंज है हमारी ब्रेड की, उसके अंदर तमाम ब्रेड, तमाम रोल, हर किस्म का रस, सब कुछ सिखाएंगे। आज पहला हम डाल रहे हैं इसके अंदर फ्रूट बन, तो आए हम आपको बताते हैं हमें क्या क्या चाहिए। फ्रूट बन के लिए हमको सबसे पहले चाहिए आधा किलो मैदा। ये आधा किलो मैदा ले लिया हमने, सही है, आधा किलो मैदा हो गया, 100 ग्राम चीनी और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्रेड एम्प्रूवर। अगर ब्रेड एम्प्रूवर नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, आप ना डालें, ब्रेड एम्प्रूवर 2K के नाम से भी मिलता है। अच्छा जी, ये है हमारा 2 टेबल स्पून सूखा दूध, ये है वनीला एसेंस, ये देखें ये होता है वनीला एसेंस, पाउडर कहलाता है ये। ये मिल जाएगा जहाँ पे बेकरियों का सामान मिलता है वहां से आप ले लें, अगर ये नहीं है तो फिर वनीला एसेंस डालें। ये देखिए, ये वनीला एसेंस होता है, ये वनीला पाउडर होता है। अब आपके पास अगर ये नहीं है तो फिर ये डाल लें, ये मिल जाए तो ये सिर्फ तकरीबन आपने 1/4 टीस्पून से भी कम डालना है, इतना तेज होता है, ये आपने 1/2 टीस्पून डालना है। ये हो गया। अच्छा जी, ये आपका हमारा हो गया तकरीबन जो ऑयल है हमारा 6 टेबल स्पून। अच्छा सही जी, ये हमने आपको बताया था ये ऑयल हो गया, फिर एक दफा बता रहा हूँ आपको, ऑयल आपने डालना है तकरीबन 6 टेबल स्पून। ये है ईस्ट, आज का आपको पता है सर्दी है तो इसलिए सर्दी में ज्यादा डलेगा, ये 1 टेबल स्पून एंड द हाफ भर के डालेंगे आप, सही है, ताकि फिर जल्दी राइस हो जाएगा ये। और तकरीबन 50 ग्राम के करीब मिक्स फ्रूट ले लेंगे और 50 ग्राम के करीब किशमिश ले लेंगे और 1 कप आपने नीम गर्म पानी लेना है और ये इस्तेमाल करना है, कम भी जा सकता है ज्यादा भी जा सकता है, क्योंकि मैदा कई पानी ज्यादा उठाता है और कई मैदे ऐसे होते हैं जो कि पानी कम उठाते हैं, आपने अपने हिसाब से पानी मिलाना है। ये है लेमन कलर, चंद थोड़ा सा लेमन कलर डालेंगे हम, यानी कि 1 टीस्पून के करीब। तो आए हम आपको बताते हैं ये क्या करना है, हमने आपको अभी ये सब चीजें मैदा ले लेते हैं, उसके अंदर मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये मैदा हमेशा ऐसी जो स्लिप होती है उस पर गुना जाएगा, कोई परात में या किसी चीज में नहीं गुनता, सही आपने ऐसे डाल लेना, ये साफ होती है क्योंकि किचन घर का है तो वो साफ रखना पड़ता है। और इसके अंदर ही आपने चीनी डाल देनी है, हम ये इस डाल रहे हैं, इस डाल दिया। अच्छा जी, टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसलिए मैं आपको ये देखें, ये भी कॉर्नफ्लोर भी इसमें डल गया आपका। अच्छा, इसी के अंदर हमने अंडा भी डाल देना है, ब्रेड एम्प्रूवर भी डाल देना है, थोड़ा सा ये अपना क्या नाम है इसका वनीला पाउडर, ये भी 1/4 टीस्पून के करीब ये डालेंगे। सूखा दूध, यानी सूखा दूध भी डल गया इसके अंदर, सही है। ऑयल अभी नहीं डालेंगे ना, और थोड़ा सा फ्रूट डाल देंगे इसके अंदर, सही है, और अंडा भी डाल के इसको हमने गूंद देना है। अब मैं गूंद के आपको फिर दिखाता हूँ कि क्या करना है, नहीं तो फिर बाद में लोग कहते हैं यूँ गूंदना वो गूंदना, सही है जी। अब मैं इसको गूंद रहा हूँ, सही है, मैंने सब चीज़ें मिला दी इसमें, थोड़ा मैंने फ्रूट भी मिला दिया, कलर भी मिला दिया इसके अंदर, ब्रेड एम्प्रूवर, अंडा और अपना चीनी और सूखा दूध मिला दिया। अभी मैंने नमक नहीं मिलाया ना ऑयल मिलाया, अभी थोड़ी देर हम इसको गूंदने के बाद फिर नमक और ऑयल मिलाएंगे। अभी क्यों मारना है इसको, देखेंगे, देखें ऐसा होना चाहिए नरम, ये पनीर अगर सख्त होगा तो फिर वो बहुत देर में राइस होगा। यूं चलाएं इसको, कम से कम 4 से 5 मिनट मिलाएं आप इसको अच्छी तरह से, ये देखें यूं, ये हथेली से ये मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखें खमीर बनता जा रहा है, जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना अच्छे आपके बंद और ब्रेड आएगी। ये ऐसा लेना पड़ेगा आपको, स्क्रैपर मिल जाता है, देखेंगे देखिए मशीन भी आती है, मशीन में करेंगे मगर मशीन कामयाब नहीं है, छोटी वाली, वो तो जो बेकरियों में बड़ी बड़ी मशीनें हैं मिक्सर कहलाते हैं वो कामयाब है, उसके अंदर आप मिलाएंगी तो सही नहीं मिलेगी, वो आगे आपकी मर्जी है।
सही है। अब हम इसके अंदर ऑयल मिलाते हैं। सही है, मैं ये नमक भी मिला रहा हूँ। ये देखो, ये देखिए यूं मारो इसको, यूं सही। हाथ इसी के साथ साफ कर ले अच्छी तरह, अभी तो हाथ होने हैं इसी तरह के भाई। ये देख, ये थोड़ा होए और जो बचे था हमारा, ये सही है। बाकी हमने थोड़ा सा बचा दिया फ्रूट, सही है। ये ऊपर डालेंगे इसके, वो देखें। अब इसको आखिरी दफा करना, सही। जितनी जल्दी जितना अच्छा मिलाएंगे उतने अच्छे बंद आएंगे। तकरीबन 10 से 5 मिनट मिलाएं। अब जब ये राइस हो जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर, अगर आपके शहर में बहुत ज्यादा सर्दी है तो कोई मसला नहीं, इसको आपने किसी थैली में डाल के गर्म जगह पे रख देना है तो ये जल्दी राइस हो जाएगा। सही, हमारे यहाँ तो बस नॉर्मल मौसम है, हमने इसीलिए ईस्ट इसके अंदर ज्यादा डाला है ताकि जल्दी हो जाए। नहीं तो सर्दियों के अंदर अमूमा दो दो तीन तीन घंटे भी पड़ा रहता है तो चीज ये राइस नहीं होती। ये देखें, अब इसको फिनिशिंग करें, थोड़ा सा ऑयल। तो ये देखें जी, ये तैयार हो गया। इसकी क्या पहचान है, ये देखें, ये अब आपके हाथों में नहीं लगेगा और ये ऊपर आ रहा है। सही है, ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको राइस करने के लिए छोड़ देते हैं, अच्छी तरह हाथ साफ करते हैं। इसको थैली में मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ये ले लें, इस पर हल्का सा ऑयल लगाएं ताकि ये चिपके ना थैली में, दोनों साइड पे। ये थैली ले लें ऐसी रख के, इसको ऐसे किसी गर्म जगह पे रख दें, किसी जार पर डाल के, या ये ले लें ऐसा ज्यादा। सही, इसको मैं बंद ओवन में रख रहा हूँ। बंद ओवन में रख दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट, जैसे ये राइस हो जाएगा हम इसके बंद काट देंगे। सही जी, हमने तकरीबन आधा घंटा रखा है, माशाल्लाह से देखिए कैसा राइस हो गया ये। सही है, अब इसको हम इसको खोलेंगे। सही, माशाल्लाह डबल हो गया, देखो यूं करें इसको, बिल्कुल माशाल्लाह ओके आया है, बिल्कुल खमीर। थोड़ा सा ऑयल रखें, हल्का सा नीचे में लगाएं, थोड़ा सा ऊपर लगाएं। सही जी, अब हम देखें बन के लिए हमको ऐसा चाहिए। देखें ये नया आया है, इसके अंदर जिंगर बन भी बनेगा, फ्रूट बन भी बनेगा और आप इसमें मीडियम पिज्ज़ा यानी कि स्मॉल पिज्ज़ा भी बना सकते हैं। मैं आपको इस डो से बंद और शीरमाल बनाना सिखा रहा हूँ। सही है, शीरमाल भी इसी का बनेगा, बंद भी इसका बनेगा। जो फ्रूट ब्रेड होती है अगर बनाना चाहें तो वो भी इसी की बनेगी, मगर वो इंशाल्लाह हम आपको बाद में सिखाएंगे किसी दिन। अच्छा जी, बंद हम रखेंगे 100 ग्राम का। ये ले लें आप वेट मशीन ऐसी, हमेशा बोलता हूँ आपको बहुत अच्छी है। ये देखें यूँ आपने काटना है इसको, ये हो गया आपका पूरा 100 ग्राम। सही, ऐसे काट के 2 3 4
सही है, हो गए 8। ये देखो अब इसको आपने यूं पकड़ा, ये जो टाइट से करके नीचे ऑयल लगा लें हल्का सा। अच्छा जी, अगर हम इसके अंदर किशमिश मिलाना चाहते हैं, रख लें किशमिश पास ही, सही है। अब देखें ये जैसे पकड़ा हमने, इसमें ये 2 किशमिश डाली, इसको यूं किया ऐसे। ओके, 2-3 किशमिश जितनी भी आप डालना चाहें। बहुत जबरदस्त इंशाल्लाह बेहतरीन बन बनेंगे। सही, इसके अंदर ही मैंने फ्रूट डाल दिया था, सही है ना, फ्रूट नजर आ रहा होगा। आप ज्यादा बढ़ाना चाहें ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल सफाई से आ रहा है। टाइट से करके फर्स्ट क्लास की उंगलियों से, ये 2 उंगलियों से घुमाना है। ये हो गया। अब इसके अंदर हमने ऑयल कर लिया था, ऑयल लगा दिया हमने इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने रख देना डायरेक्ट, ऊपर से दबा देना हल्का सा। ये रख के आज के आपको पता है खुश हवा है, सही है ना, खुश हवा है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा। इधर डालने आप ऑयल, ये हल्का हल्का ऑयल आपने ऊपर लगा दें, इससे ये होगा कि आपके ऊपर बन खुश्क नहीं होगा, सिकरी नहीं आएगी, और बन बड़ा अच्छा नरम बनाएगा और VIP आएगा। अगर हम ऑयल नहीं लगाएंगे तो फिर ये ऊपर से सूख जाएगा बन, सही है। ओवन अभी हम चला देंगे इसको, ओवन को तकरीबन ये तकरीबन आएगा हमारा आधे घंटे में, ये राइस हो जाएगा। जब राइस हो जाएगा फिर हम रखेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले गर्म करना है आपने 180 पे ओवन, 15-20 मिनट चलता रहे, और फिर 200 पे या फुल टेम्परेचर पे रखना है इसको हमेशा। जो बंद होते हैं और डबल रोटी वगैरह, ये फुल टेम्परेचर पे होती है। अच्छा, 100 ग्राम का ये था, अब हम तकरीबन 200 ग्राम का भी रख सकते हैं और 300 ग्राम का भी रख सकते हैं शीरमाल। सही है, 220 ग्राम, 250 ग्राम, इसको भी आपने इसी तरह करना है। हल्का सा ऑयल, तो ये 3 आपके ये बन गए, देखें। थोड़े फासले में, अच्छा जी, इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा के अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसको बाद में थोड़ा राइस होगा ना तो फिर हम इसको बड़ा करेंगे शीरमाल को। सही, ऐसे आप सादे भी बना सकते हैं और फ्रूट भी बना सकते हैं। ये भी मैं अलग से ट्रे में रखता हूँ, इसको हमने इसी तरह रख देना किसी गर्म जगह पे, इसके ऊपर से कोई चीज ढक दें इसको, या फिर इसको बन ओवन में रख दें 15-20 मिनट के लिए। देखेंगे 15 मिनट में भी आ सकते हैं ये, 20 मिनट में भी आ सकते हैं, और आधे घंटे में, और 1 घंटे में भी, क्योंकि ये मौसम के ऊपर है, जितना मौसम गर्म होगा उतनी जल्दी राइस होंगे ये। सही है, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये शीरमाल को थोड़ा थोड़ा आपने ऐसे कर लेना, हमारे पटरे ऐसी होनी चाहिए, अगर थोड़ी एक एक लगाए तो अच्छा, बस इतना कर देना, ये खुद ही राइस होके खुद ही बड़ा होगा। देखें इसको, अब इसको तो हमने ऐसे ही रख देना है, इसके ऊपर कोई कपड़ा डाल देंगे हम,
कपड़ा देना कोई अच्छा सा कपड़ा। और देखिए ये जो है इस पे हम ऐसी कोई ट्रे कि जो यानी कि जिसमें इसको लगे ना नीचे, ये ऐसे ढक देंगे। कोई भी ट्रे या कोई भी ऐसी ऊंची चीज होनी चाहिए ताकि जो ये आपस में लगे ना एक दूसरे को। ये आ गया पूरा, ये ऐसे ऊपर से इसको ढक के रख देना हमने जब तक राइस होगा। राइस हो जाएगा फिर हम इसको रखेंगे डिफ्रीजर में। और ये देखें ये कोई ऐसी मोटा सा कपड़ा ले लें और इसके ऊपर भी कोई कपड़ा या प्लास्टिक की थैली बड़ी वो आप चढ़ा के रख सकते हैं। सही है। तो अभी फिर ये जब राइस होगा आधे घंटे में या 15 मिनट में राइस हो जाएगा तो फिर हम इसको देखें कोई सा ले लें कपड़ा ऐसे ऐसे रख दें इसको ताकि राइस होता रहे। ये राइस हो जाएगा फूल जाएगा फिर हम इसको ओवन में रखेंगे। देखिए जी हमें कम से कम आधा घंटा हो गया इसको हमने रखा था तो माशाल्लाह ये देखें राइस हो गए मगर अभी भी नहीं, अभी थोड़ा और हम राइस होने गए। अब इस टाइम हमने इनको चूल्हे को यानी कि ओवन को हमने चला दिया फुल 200 पे। सही है। हमने इसको 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट उसको गर्म करना है ओवन को। जैसे वो हो जाएगा हम इसको फिर इसके ऊपर हम अंडा लगाएंगे फ्रूट डालेंगे फिर रखेंगे। और वो शीरमाल देखें ये भी तैयार हो रहे हैं, अभी ये भी राइस हो रहे हैं। अभी ये कम है, अभी ये थोड़ी देर तक और हो जाएंगे जब तक हमने ये ओवन को चला दिया है। अब 10 मिनट या 15 मिनट ओवन चलाएंगे फुल 200 पे गर्म करना है और उसी पे हमने इसको रखना है। सही। अभी हम 10 से 15 मिनट और छोड़ेंगे इसको, ये और राइस होंगे और फूलेंगे फिर हम इसको रखते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। सही जी माशाल्लाह देखें ये फुल राइस हो गए हमारे। सही। अब हम इसको रखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक अंडा लेना है, एक अंडा ये देखिए एक अंडा ये इस पे हम कलर लगाएंगे। एक अंडा इसके अंदर आपने देखें ये हाफ टी स्पून के करीब चीनी डाल देनी है, इससे कलर पकड़ेगा नहीं तो कलर नहीं आता। आपको याद है देखा होगा आपने कलर नहीं आता है किसी चीज के ऊपर, आप जितना मर्जी उसको पका लें। और इसमें जरा सा बस ये पीला रंग थोड़ा, अब इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरह। अंडा फट गया हमारा, अब हमने बुरिश ले लेना है। देखिए इतना राइस हो जाएगा तो फिर हमने रखना है उसमें ओवन में। सही। ओवन हमारा फुल गर्म हो गया, हमने उसको रख दिया था तकरीबन 15-20 मिनट हमारा जल गया। देखें आस्ता से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज्यादा तेज नहीं करेंगे नहीं तो ये बैठ जाएगा। सही। बगैर अंडे के भी आप रख सकते हैं, अगर अंडा पसंद नहीं है तो आप बगैर अंडे के भी रख सकते हैं इसको, मगर ये कि अंडे से थोड़ी खूबसूरती आ जाती है मन पे। हल्के हाथ से, वैसे हम तो इससे कर रहे हैं ना बेकरियों के अंदर कपड़े का होता है बुरिश जो बनाया होता है उन्होंने, क्योंकि नाजुक चीज होती है जब भराई हो जाए तो फिर उसको बड़ा तरीके से करना होता है, नहीं तो थोड़ा सा लगेगा तो ये बैठ जाएगा। एक जैसा लगा दें, चलने के बाद थोड़े से तिल ले लें, इसको तिल डालने
पीसेस आ गए, ये थोड़ा सा फ्रूट, इस पे हम फ्रूट डाल देंगे। बिल्कुल बारीक कर लें इसको फ्रूट को। ये फ्रूट आ गया हमारा। अच्छा, इसके ऊपर हम एक और काम करेंगे, बड़ा प्यारा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी चीनी ले लें, थोड़ी थोड़ी चीनी भी डालें। सही, बस थोड़ी थोड़ी चीनी आपने डाल देनी। ये हो गया, ये हमारे माशाल्लाह से शील माल। इस पे भी हम कलर लगा देंगे। सादे रख लें, सादे रख लें। तिल डाल लें, तिल डाल लें। तो ये भी माशाल्लाह फुल राइस हो गए। इतने राइस करने हैं आपने, अगर कम राइस करेंगे तो फिर वो पत्थर की तरह हो जाएंगे, फूलेंगे भी नहीं। ये इसके अंदर यानी कि बेहतरीन, हल्के भी होंगे, वजन भी छोड़ेगा ये। तो ये नीचे गिरता कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये जो है इसको हम एक को फ्रूट कर देंगे। फ्रूट आपने बड़ा बड़ा रखना। रंग बिरंगा फ्रूट डालने, थोड़े से तिल आ गए, ये चीनी आ गई थोड़ी थोड़ी, इसको भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको ओवन में रख रहे हैं। 200 पे हमारा ओवन है, उस पे हम रखते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फुल गरम हो रहा है ओवन VIP तरीके से। एक हम नीचे रख देंगे, वैसे नीचे रखना नहीं चाहिए लेकिन रख देंगे। 2 मिनट आपने ऐसे मुंह रखना है ताकि इसको जोश और आ जाए। थोड़ा सा जोश आ जाएगा फिर हम इसका मुंह बंद करेंगे। सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट रखेंगे आप कि इसको जोश आ जाए, खुल जाएगा थोड़ा सा ऐसे मुंह। तो ये देखिए मार्टर से सही है। अब हम नीचे वाला हल्का कर दिया, ऊपर वाला जो है ना बर्नर वो चलाएंगे। तो ये ऊपर वाला चला दिया हमने। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऐसा कपड़ा रख के इतना खुला रहे ताकि आपका शीशा भी सही रहे। अब हमने इसको ठीक 10 से 15 मिनट के बाद निकाल लेना है। इसकी जो देखिए जी, हमने निकल गया है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बने। अब इसके ऊपर ऑयल ले लें या बटर ले लें मेल्ट करके ऐसे। इससे ये होगा कि ऊपर से नरम भी रहेंगे, उतरेगा भी नहीं छिलका, और बहुत ही जबरदस्त
चमक भी आएगी। अच्छा जब निकलेंगे तो ये सख्त होते हैं एकदम, घबराइएगा नहीं, 2 मिनट आप छोड़ेंगे इसको, बिल्कुल नरम मलाई हो जाएंगे ये। अब हमने क्या करना, कोई सा भी गीला कपड़ा इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी देर के लिए, मैं वो भी निकाल रहा हूँ बंद, वो भी हो गए। जी ये बंद भी माशाल्लाह हो गए, देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत आए, बेहतरीन आए। इस पे भी आपने ऑयल लगाना है हल्का हल्का। ये हमने, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए, सही जी आपके हो गए फर्स्ट क्लास। मैं आपको एक काट के भी दिखाता हूँ, फिर पीछे पड़ा हुआ दूसरा, ये देखिए ये भी एक बना था, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अभी गर्म है। ये देखिए कितना जबरदस्त, अभी गर्म है, ये फर्स्ट क्लास है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, किया इसको छोड़ दो, सही है, ये है नरम मलाई बिल्कुल। फिर आप इसको दबा देंगे कस के, ये छोड़ दें, अपनी हाल पे आ जाएगा। ये होता है समझो कि ये बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह से आपकी दुआओं से, सही है। ये हमने आपको दिखा दिया, अब हम बाद में खाएंगे इसको, और अभी वो हमारे 2-3 रहते हैं, वो बन रहे, देर हो जाएगी। तो इसके साथ ही मैं अपने तमाम फ्रेंड को मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हजूर की आमद है हमारी, कि हजूर कोई ऐसा काम हो जाए कि गुलाम आपके दर पे हाजिरी देने के लिए हाजिर हो जाए। तो इसके साथ ही आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि जितना हो सके आप करें, हजूर के नाम पे लाइटें करें, लाइटें लगाएं, मिलाद करवाएं, और मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और अगर कोई बात बुरी लगे तो भाई माजरत चाहता हूँ। तो आप सबने मेरे चैनल पे आना है, किंग शेर शाही जट जी ए पाकिस्तान, उसको सब्सक्राइब करें, आगे भी उसको भेजें, लोगों को बताएं। और दूसरा मेरा नंबर लिख लें, 03150004999। इसके साथ ही सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदा।